आप जरा थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें, मैं कुरान पाक पढ़ता हूं और इससे हदायत लेना शुरू कर देता हूं, क्योंकि कुरान का मकसद है इससे हदायत लेना। अल्लाह ने खुद बता दिया कब उतारा और क्या मकसद है हदायत लेना। अब मैं कुरान से हदायत लेना शुरू करता हूं, इसे पढ़ता हूं। कुरान में मुझे लिखा हुआ मिलता है कि शराब नहीं पीनी, जना नहीं करना, चोरी नहीं करनी, माँ बाप का ख्याल रखना है, खिदमत करनी है, शिर्क नहीं करना, गुनाहों से बचना है, लोगों को नेकी की दावत देनी है। इस तरह की मैं हदायत कुरान पाक से लेता रहता हूँ, कुरान पाक मुकम्मल कर लेता हूँ। एंड में जब सारी हदायत लेता हूँ और एंड में आकर मैं कह देता हूँ ये मैं अपने दादा या बाप या जो भी है बुजुर्ग मेरा उसको बख्शता हूँ छुप करके, हम किस कदर अजीबोगरीब हरकत कर रहे हैं। यानी जो मैंने हदायत लेनी थी वो मैं छुप करके कह रहा हूँ कि वो मैंने किसी और को बख्श दी। ये हम क्या कर रहे हैं? यानी जो हदायत मैंने ली उसको मैंने अपने लिए जीरो कर दिया और वो सब किसी और पर डाल दिया। हमने इससे खुद हदायत नहीं लेनी, यानी कि जरा सोचिए हम क्या कर रहे हैं।